गुड मॉर्निंग एवरी वन. इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इज डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट बाय पीएच मीट्रिक मेथड. इन दिस मेथड वी हैव टू डिवेल्प अ रिलेशन लाइक एज, जैसे यहाँ पर हमारे पास पीएच होता है तो दैट इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ लॉगरिथम ऑफ एच पॉजिटिव आयन. इन द सिमिलर मैनर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट अ रिलेशन बिटवीन पीएच log L which is equals to, right? इस method में हम क्या find out करेंगे कि हमारा जो ligand का pH, जैसे pH value क्या होती है, logarithm of H positive ion, वैसे ही हमारे PL होती है, that is negative of logarithm of concentration of ligand. तो उसका value हम find out करेंगे in today's video. In order to derive the relation, we have to again use the stepwise stability. As you heard this topic earlier, we don't need to explain much over this. Like as we are going to explain stepwise stability constant, so stepwise stability constant कैसे लिखोगे? M plus L, that is ML. तो इसका value क्या होगा? Concentration of product over concentration of reactant. सिमिलर यहाँ पर अब हम एक और रिएक्शन लिख लेते हैं, ML plus ML2, we get the relation KML2, concentration of product over concentration of reactant. So on we have to generalize it, ML N minus 1 L is equals to ML N. That is KN is equals to MLN, concentration of nth, concentration of product over concentration of reactant. तो in this manner हमने क्या लिख लिए, सारे के सारे stepwise stability constant लिख लिए. हमें एक और relation भी पता है, stepwise stability और overall stability में क्या relation होता है. जो subscript आप यहाँ पर introduce करते हो वही factor आपके उतने stepwise stability constant का प्रोडक्ट होता है. सपोज मैंने यहाँ पर बीटा एन इंट्रोड्यूस किया है, दैट मीन्स कितने स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, के वन के टू के थ्री अप टू सो ऑन के एन. यहाँ तक का रिलेशन मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रही, डायरेक्टली हम यूज़ करेंगे. द मेन टॉपिक इज वी हैव टू डिराइव द रिलेशन ऑफ पी एल, सो दैट वी डायरेक्टली कम ओवर हेयर. यहाँ पर हम जो बेसिक मेथड यूज़ कर रहे हैं वो है बजेरम्स मेथड, जिसे यूज़ किया था केल्विन और विल्सन ने. इन ऑर्डर टू पोस्टुलेट, इन ऑर्डर टू डिराइव द रिलेशन, वी हैव टू फाइंड थ्री फैक्टर्स, दैट इज़ एन एच बार, एन बार एंड पी एल वैल्यू. तो इनको स्टेप वाइज स्टेप फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास फॉर्मेशन फंक्शन है क्या चीज़. फॉर्मेशन फंक्शन आपने फिजिकल में स्टडी किया होगा, एनी डाउट अगर हमने नहीं भी डिस्कस किया हुआ तो इसमें क्या होता है कि मेटल और लिगेंड का कंसंट्रेशन हम बेसिकली कंसिडर कर रहे हैं. तो इस ये फॉर्मेशन फंक्शन क्या होता है कि हम लिगेंड का स्टडी कर रहे हैं कि लिगेंड का बॉन्ड कैसे बना होगा मेटल के साथ. तो इसका क्या लिखोगे, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड बाउंड टू मेटल ओवर टोटल कंसंट्रेशन ऑफ मेटल. अभी क्या है, जो फॉर्मेशन फंक्शन क्या है कि उसका डेफिनेशन क्या होगा कि कितना कंसंट्रेशन आपका लिगेंड मेटल के साथ बाउंड कर चुका है, कितनी कंसंट्रेशन आपकी कंज्यूम हो चुकी है मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनाने में, ओवर आपने कंसंट्रेशन मेटल का स्टार्टिंग में रिएजेंट आप लेके चलोगे कि आपने मेटल का कंसंट्रेशन सी सपोज किया होगा, सपोज इसका आपने ए सपोज किया, उसमें से कितना कंसंट्रेशन यूज़ हो गया इन ऑर्डर टू मेक द कॉम्प्लेक्स दैट इज़ एम एल. तो वो कंसंट्रेशन आप यहाँ पर फिल करोगे, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड बाउंड टू मेटल ओवर टोटल कंसंट्रेशन ऑफ मेटल. या आप इसे कैसे कर सकते हो, या आप इसे कैसे कर सकते हो, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड माइनस टोटल कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड नॉट बाउंड टू not bind to metal over total concentration of metal.
दोनों तरीके से लिख सकते हो, या तो आप ये सीधा बोल दो फॉर्मेशन फंक्शन के लिए कि कितना कंसंट्रेशन आपका लिगेंड मेटल के साथ बाइंड करने में यूज़ कर रहा है और ओवर टोटल कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, या फिर आप कैसे लिख सकते हो कि आपने लिगेंड का टोटल कंसंट्रेशन कितना लिया था, उसमें से कितने ने लिगेंड ने मेटल के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, चाहे उसने हाइड्रोजन के साथ आपकी मेटल ने बॉन्ड बनाया हो लेकिन लिगेंड ने मेटल के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, ओवर टोटल कंसंट्रेशन ऑफ मेटल। तो इसका रिलेशन क्या है, टोटल कंसंट्रेशन हम जो स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं दैट इज़ टोटल कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड नॉट, और हमारी जो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ मेटल है वो क्या है, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ मेटल। तो ये बुक में आपको नोटेशंस मिलेंगी, देखो एज सच ये रिप्रेजेंट करेगा एल का सबस्क्रिप्ट, स्टैंडर्ड नोटेशन जब भी नोट होता है दैट मीन्स वो स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन या वो स्टैंडर्ड वेरिएबल है। तो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ मेटल माइनस कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड नॉट बाउंड टू एम। नाउ इन आवर फर्स्ट स्टेप वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड बाउंड टू एम। इस जो हमारी जी इक्वेशन है वी हैव टू नेम इट एज नंबर वन, यहाँ पर हम टोटल कंसंट्रेशन ऑफ इसका जो फैक्टर है मैं दोबारा से नहीं लिख रही, ये वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमने एन बार फाइंड आउट करना है। तो एन बार फाइंड आउट कैसे करोगे, अभी हमें कैसी कैसी कंसंट्रेशंस पता होनी चाहिए, कौन सी कंसंट्रेशंस ने लिगेंड के साथ बाउंड किया। तो अभी इनमें से देखो, मेटल के साथ ML ने भी बाइंड किया हुआ है, ML2 ने भी बाइंड किया हुआ है, ML3 ने भी किया होगा, ML4 ने भी किया होगा, अप टू सोन हमारे पास MLN तक हमारे मेटल ने लिगेंड के साथ बाइंड किया हुआ है। तो ये कंसंट्रेशंस क्या आ जाएंगी, सम में आ जाएंगी, ML ने बाइंड किया टोटल कंसंट्रेशन, M जितना लिगेंड हमारा यूज़ हुआ है, जैसे ML2 बनाने में हमारा कितना लिगेंड यूज़ हुआ है, 2 लिगेंड L यूज़ हुए होंगे, तो वही हमारा स्टोकियोमेट्री है, ये स्टेप लर्न रखना राइट। यहाँ पर अगर हमने ML3 का कॉम्प्लेक्स जनरेट करना है तो हमारा स्टोकियोमेट्री क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है 3 बनाने के लिए हमने कितने लिगेंड यूज़ किए हैं, 3, तो उसका स्टोकियोमेट्री बाहर मल्टीप्लाई करोगे, अप टू सोन कहाँ तक चलोगे, अगर आपने ML N तक चलना, क्लियर। पहली कंसंट्रेशन में जहाँ जहाँ पर आपके लिगेंड और मेटल का बॉन्ड बना हुआ है वो सारी कंसंट्रेशन मेंशन करनी है। अभी यहाँ पर एक ही लिगेंड यूज़ हुआ था तो एक की स्टोकियोमेट्री यहाँ पर आएगी। नीचे देखो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, मेटल आपको कहाँ कहाँ पर दिख रही है, एक तो मेटल यहाँ पर है राइट, एक ML में भी है, ML2 में भी है, ML3 में भी है, ML N-1 ML N में भी हमारी मेटल इंट्रोड्यूस है। तो इसका अकॉर्डिंग आप कैसे लिखोगे, लिखो M में हमारी मेटल की कंसंट्रेशन हमें दिख रही है, ML N में हमें मेटल दिख रहा है, ML2 में भी, यहाँ पर भी हम स्टोकियोमेट्री के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि हमने कितना मेटल यूज़ किया इन ऑर्डर टू क्रिएट द ML। तो यहाँ पर हर बार हमने एक ही मेटल का यूज़ किया है स्टोकियोमेट्री, तो हमें बार बार 1 मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास अप टू सोन हम कैसे चलेंगे, 1 × ML N। ये दोनों इक्वेशन क्लियर है, पहली कंसंट्रेशन टोटल कंसंट्रेशन लिगेंड बाउंड टू एम, कहाँ कहाँ पर मेटल और लिगेंड के बॉन्ड बने हुए थे, अभी हमने कितना लिगेंड यूज़ किया उसका स्टोकियोमेट्री बाहर मल्टीप्लाई करते हुए चलना है, और नेक्स्ट में हमने क्या किया, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, मेटल आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर एम में सिंपल मेटल, यहाँ पर मेटल लिगेंड के कॉम्प्लेक्स में भी मेटल है, यहाँ पर ML2 में भी, अप टू सोन हमारे पास ML N में मेटल इंट्रोड्यूस हुई हुई है। नेक्स्ट आप इसको क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, अभी आप ML को क्या कर सकते हो, डायरेक्टली अगर हम यहाँ पर सब्सिट्यूट करना चाहें तो बिटा वैल्यू सब्सिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें पहला एक स्टेप जैसे आपकी बुक में रेज किया हुआ है, पहले उसने हर एक को स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट में डिड्यूस किया है, बाद में बिटा में किया है, तो आप वैसे भी कर सकते हो, अदरवाइज आप स्ट्रेट वे भी लिख सकते हो, क्योंकि हमने वहाँ पर पढ़ा था लास्ट रिलेशन में जब हमने डेवलप किया था वीडियो में स्टेप वाइज स्टेबिलिटी और ओवरऑल स्टेबिलिटी में, कि जितना हमें ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट चाहिए हम डायरेक्टली भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे β1 यहाँ से हमें सीधा मिल जाएगा β1, अगर हम 2 लिगेंड यहीं पे डाल दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ML2 का कॉम्प्लेक्स, हमें यहीं से मिल जाएगा β2। तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पर कंसंट्रेशन लिख सकते हो, अदरवाइज़ हम इसे पहले जैसे उन्होंने डिड्यूस किया वैसे भी कर सकते हो, तो ये स्टेप आपके लिए कोई कंपल्सरी नहीं है। यहाँ पर क्या है,
हम ओवरऑल रिलेशन पर कहाँ पहुँच गए, समेशन। हमारे पास जनरलाइज करने के लिए हम समेशन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। समेशन में वैल्यूज़ कैसे रहेंगी, आई फ्रॉम ज़ीरो टू एन। अभी आप रिलेशन को पहले जनरलाइज करके लिखो, फिर वैल्यूज़ फिल करके देखना कि आपको ये रिलेशन मिल भी रहा है या नहीं। तो यहाँ पर देखो स्टोइकोमेट्री कैसे बढ़ रही है, जैसा जैसा एन का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे तो हमारे पास आई फैक्टर आ गया, क्योंकि आई हमने इंट्रोड्यूस किया। आप यहाँ पर कोई भी वेरिएबल कर सकते हो, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर मैं बीटा आई, कंसंट्रेशन किसकी बात कर रहे हो, लिगेंड की। तो हमें ये स्टेप करना पड़ेगा, क्योंकि ना हमने मेटल और लिगेंड को कंसंट्रेशन को डिड्यूस करना है, डायरेक्टली नहीं लिख सकते। तो अभी यहाँ पर एम एल का कंसंट्रेशन आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, एम एल को यहाँ पर देखो, एम एल की कंसंट्रेशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या आ सकता है, के वन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एम कंसंट्रेशन ऑफ एल। अगर हमें यहाँ पर एम एल टू की कंसंट्रेशन चाहिए तो हमें क्या क्या फिल करना पड़ेगा, एम के टू इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एम एल इंटू एल। यहाँ पर हमने एम एल की यहाँ पर फाइंड आउट कर ली, तो वो क्या आएगी, के वन के टू इंटू एम इंटू एल। ऑलरेडी एक एल यहाँ पर है, एक एल यहाँ से आ जाएगा, तो हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, एम एल स्क्वायर। अभी हम एम एल थ्री का अगर बाय ऐसे ही लिखना हो विदाउट फाइंडिंग, तो हम क्या लिखेंगे, के वन के टू के थ्री, एम का तो एक ही कंसंट्रेशन आ रहा है, एल क्यूब अप टू सोन। अगर हमने एम एल एन के लिए लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, के वन के टू के थ्री अप टू सोन के एन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एम एल रेज टू पावर एन। तो अभी हम इस रिलेशन्स को, इन रिलेशन्स को डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ये रिलेशन ऐसे नहीं बनेगा। नेक्स्ट लिखो, यहाँ पर क्या लिखोगे, के वन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एल प्लस के टू का फैक्टर हमारे पास रहेगा ही, क्योंकि टू तो इसकी स्टोइकोमेट्री में है। के वन के टू क्या आएगा, एम इंटू एल स्क्वेयर अप टू सोन, मैं यहाँ पर जनरलाइज कर रही हूँ, एन के के वन के टू अप टू सोन के एन एम रेज टू पावर एल एन ओवर। नीचे भी ऐसी कंसंट्रेशन लिखोगे, एम प्लस यहाँ पर सेम के वन इंटू एल प्लस नीचे के लिखोगे के वन के टू एम इंटू एल, सॉरी के वन एम इंटू एल स्क्वेयर अप टू सोन, कैसे लिखोगे, के वन के टू अप टू सोन मल्टीप्लाई में रखना के एन, यहाँ पर क्या आएगा, एम इंटू एल एन। ये स्टेप थोड़ा सा टिपिकल है, दोबारा से देखो, यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करनी है, ये इनकी कंसंट्रेशंस फाइंड आउट करनी है। क्यों इनकी कंसंट्रेशंस हमें क्यों यहाँ पर रिप्लेस करनी है एम और एल की वैल्यू से, क्योंकि जब भी आप रिएक्शन स्टार्ट करते हो तो आपको पता होती है आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या ले रहे हो, लेकिन जो इन बिटवीन हमारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं उनका कंसंट्रेशन तो जितना बना होगा सित्तू के अंदर उतना ही कंज्यूम हो जाएगा। तो ये हमारे लिए इनको फाइंड आउट करना क्या है, इम्पॉसिबल है। तो हमें इन्हें ऐसे वेरिएबल से सब्सटीट्यूट करना होता है जिसकी कंसंट्रेशन हमें नोन हो, नोन वेरिएबल के फॉर्म में। दैट्स वाई वी हैव टू डिड्यूस दीज इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एम और एल की कंसंट्रेशन में, सारे फॉर्मूलाज को डिड्यूस करना पड़ेगा। एम एल को कैसे लिखोगे, के वन कंसंट्रेशन ऑफ मल्टीप्लाई किया जस्ट, फिर हमें एम एल टू के लिए हमारे पास वेरिएबल ये भी है और ये भी है, तो एम एल का तो हमने वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, तो उसको सब्सिट्यूट करके हमारे पास ये आ गया। तो उस हिसाब से मुझे आइडिया हो गया, के वन के टू के थ्री एम इंटू एल क्यूब अप टू सोन एन टाइम्स के एन एम एल रेज टू पावर एन। तो उसमें उसे मैंने जस्ट यहाँ पर सब्सिट्यूट किया ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि दोनों जगह ये दोनों ये सारी कंसंट्रेशंस क्या हैं, एक वेरिएबल है जिन्हें हमें नॉन कंसंट्रेशंस में सब्सिट्यूट करना है। तो अभी इसको जनरलाइज करेंगे, अभी क्वाइट ईजी हो जाएगा। अभी यहाँ पर क्या करोगे, अभी हमने क्या रिलेशन में डिवेल्प किया, मेटल कॉमन निकाल सकते हो ऊपर से भी और नीचे से भी। तो हमारे पास रिलेशन कैसे बच जाएगा, जैसे आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है, के वन एल कंसंट्रेशन टू के वन। ये रिलेशंस आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना रिजल्ट आपका श्योर हो जाएगा। एन के इंटू के वन के टू के एन एल एन
ओवर नीचे कैसे लिखोगे, वन प्लस के वन एल, के वन के टू एल स्क्वेयर अप टू सो ऑन। यहाँ पर हमारे पास एन को वो बार बार नहीं लिख रहा आप इनफाइनाइट टर्म्स, लेकिन आप अगर एन लिख दोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा आपकी एंथ टर्म कैसे बनने वाली है। ये हमारा मेटल के साथ मेटल कैंसिल हो गया कंसंट्रेशन, तो हमारे पास एन बार अब किसके इक्वल आ गया, समेशन ऑफ, अभी इसको जनरलाइज करोगे अभी ईजी हो जाएगा। यहाँ पर आई वैल्यू हो गया हमारे पास के वन बीटा वन हो गया, के वन के टू को हम, मैं दोबारा से इस स्टेप को मैं लिख नहीं रही, ऊपर ओवरराइट कर दूंगी। यहाँ पर के वन इंटू के टू को आप क्या लिखते हो, बीटा टू, के वन को हम क्या लिखते हैं, बीटा वन, के वन के अप टू सोन के एन को क्या लिखेंगे, बीटा एन। इन सिमिलर मैनर यहाँ पर नीचे भी हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा बीटा वन, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा बीटा टू, अप टू सोन हमारे पास बीटा एन। तो इसको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो आई बीटा आई एल रेज टू पावर आई फ्रॉम आई इज इक्वल्स टू फ्रॉम, अगेन हमारे पास जो सब समेशन नीचे भी समेशन चल रहा है, फ्रॉम ज़ीरो टू एन। तो हमारे पास यहाँ पर नीचे क्या है बीटा आई एल रेज टू पावर आई। ये आप अपने नोट्स में भी करेक्ट कर लेना, हमारे पास जो जनरलाइज टर्म आएगी वहाँ पर एन माइनस वन नहीं है, एन माइनस आई है। तो नेक्स्ट क्या करोगे, अभी एन बार, तो अभी एन बार को प्रोडक्ट ले सकते हो आई फ्रॉम ज़ीरो टू एन बीटा आई एल आई इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई फ्रॉम ज़ीरो टू एन आई बीटा एल रेज टू पावर आई। तो अभी ये हमारा जो n बार है ये क्या है, एक कॉन्स्टेंट होगा क्योंकि फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट है, तो इसे आप समेशन के अंदर ले जाओ, यहाँ समेशन से बाहर निकालो, इसकी वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसे समेशन के अंदर ले जाओगे क्योंकि हमने रिलेशन को ओवरऑल करना है। तो हमारे पास n बार माइनस, इसको मैं साथ ही में दोनों स्टेप एक साथ कर रही हूँ, n माइनस आई बीटा आई एल रेज टू पावर आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हमारे पास फॉर्मेशन फंक्शन का जो पहला रिलेशन है हमारे पास, इसका वैल्यू क्या आ गया, एन माइनस आई बीटा आई, इसके वैल्यू को देखो हमारे पास पहला रिलेशन डेवलप हो गया। अभी हमारे पास नेक्स्ट हमने फॉर्मेशन फंक्शन किसके लिए लेना है, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ लीगेंड नॉट बाउंड टू एम। अगर लीगेंड की कंसंट्रेशन मेटल के साथ बाइंड नहीं हुई तो फिर लीगेंड ने किसके साथ बाइंड किया होगा, हमारे सॉल्वेंट के साथ। तो सॉल्वेंट बेसिकली हमारा वाटर होता है, जब भी हम पीएच और पीएल स्टडी करते हैं तो इसका मतलब हमारे पास सॉल्वेंट ऐसा है जिसमें एच प्रेजेंट है। तो इसका मतलब जिस लीगेंड ने मेटल के साथ बाइंड नहीं किया तो उसने किसके साथ बाइंड किया होगा, मेटल के साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो हमारे पास इस केस में हमारा जो लीगेंड हाइड्रो मेटल, यहाँ पर जैसे यहाँ पर था मेटल लीगेंड सिस्टम था, वैसे ही हमारे पास यहाँ पर क्या सिस्टम स्टार्ट हो गया, लीगेंड हाइड्रोजन। इसका मतलब आप इस रिलेशन को अगर डिराइव नहीं करना चाहते तो आप क्या करोगे, जहाँ जहाँ पर आपने पिछले रिलेशन में मेटल इंटर की थी वहाँ पर आप अपना लीगेंड पुट कर दोगे, लीगेंड और की जगह मेटल की जगह आप अब यहाँ पर अपना लीगेंड इंट्रोड्यूस कर दोगे, और जहाँ जहाँ पर आपने एल लिखा हुआ है वहाँ पर आप क्या इंट्रोड्यूस कर दोगे, एल जहाँ पर लिखा था पिछले रिलेशंस में वहाँ पर क्या लिख दोगे, एच। तो आपका ये जो सारे स्टेप हैं एज सच इसी के साथ सिमिलर मैनर में हो जाएंगे, क्योंकि लीगेंड हाइड्रोजन सिस्टम का मतलब ये है जिस कंसंट्रेशन ने मेटल के साथ बाइंड नहीं किया तो इसका मतलब उसने किसके साथ बाइंड किया होगा, हाइड्रोजन के साथ। तो उस वे में हमारे पास यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ पर एच इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या है, क्योंकि हम हाइड्रोजन सिस्टम की बात कर रहे हैं, दैट्स वाई। तो आप यहाँ पर इस रिलेशन को डिराइव मत करना, डायरेक्ट रिलेशन भी आप लिख सकते हो। तो उसी वे में हमारे पास जैसे मेटल कॉमन आया था वैसे आपका लिगेंड कॉमन आ गया, क्योंकि लिगेंड मेटल की जगह रोल प्ले कर रहा है और हमारा हाइड्रोजन किसकी जगह रोल प्ले कर रहा है, हमारे मेटल उसके लिगेंड की जगह। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्ट यहाँ पर आप लिगेंड पुट करोगे। अभी हमने क्या रिलेशन में डेवलप किया था, फॉर्मेशन फंक्शन क्या होती है, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड माइनस टोटल कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड नॉट बाइंड टू एम। तो जिस कंसंट्रेशन ने लिगेंड के साथ बाइंड नहीं किया तो वो कंसंट्रेशन कौन सी है, ये वाली कंसंट्रेशन है। तो इसका वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो हमारे पास ये, मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देती हूँ,
हमारे पास जो ऊपर से कंसंट्रेशन हमने अपने रिलेशन को आगे करने के लिए कौन सी कंसंट्रेशन चाहिए हमें, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड नॉट बाउंड टू एम, वो किसके इक्वल होगी, कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड बाइंड टू एच। उसने जिसने मेटल के साथ बॉन्ड नहीं बनाया तो उसने किसके साथ बना लिया, हाइड्रोजन के साथ, तो इसका मतलब जो वैल्यू इसके लिए आया होगा वो इसका है एक्चुअल में, तो आप इसे यहाँ पर यूज़ कर लोगे। हमारे पास एन बार क्या था, टी सी एल नॉट ओवर मेटल का कंसंट्रेशन क्या था, टी सी एम नॉट, तो माइनस यहाँ पर किसका लिगेंड की वैल्यू क्या पुट करोगे, लिगेंड समेशन फ्रॉम आई फ्रॉम ज़ीरो टू एन बीटा आई रेस टू पावर एच कंसंट्रेशन ऑफ एच आई, राइट। तो हमने ऊपर वाला जो न्यूमिरेटर है हमारे हाइड्रोजन वाले रिलेशन का उसको डायरेक्टली यूज़ करना है, तो बस आप इसे अभी इसे सिंप्लीफाई कर लेना है। तो हमारे पास हमें सारी की सारी यहाँ पर लिगेंड का इन्वर्स चाहिए, तो हमने बाकी सारी कंसंट्रेशन कैसे अरेंज करनी है, तो टी सी एम नॉट इज इक्वल्स टू टी सी एल नॉट माइनस लिगेंड के कंसंट्रेशन अभी ऐसे ही रखो, आई फ्रॉम ज़ीरो टू एन आई बीटा आई एच एच रेज टू पावर आई, तो अभी हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन इसके साथ माइनस कर दोगे, एन बार टी सी एम नॉट माइनस टी सी एल नॉट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एल फ्रॉम ज़ीरो टू एन आई बीटा आई रेज टू पावर एच, सिंपल सिंप्लीफाई कर रही हूँ, एच रेज टू पावर आई। अभी इसे कैसे करोगे, इसको डिनोमिनेटर या न्यूमिरेटर में रखोगे, क्योंकि हमें वन बाई एल चाहिए तो इसका मतलब ये नीचे आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, वन बाई एल समेशन फ्रॉम आई फ्रॉम ज़ीरो टू एन आई बीटा आई एच बीटा आई एच एच कंसंट्रेशन ऑफ आई ओवर, यहाँ पर मैंने इस माइनस साइन को यहाँ पर एडजस्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या आएगा, टी सी एल नॉट माइनस एन बार टी सी एम नॉट, तो हमारे पास यहाँ पर एल का इन्वर्स हो गया। नेक्स्ट अभी इसमें से इसके आगे क्या करोगे, यहाँ तक पहुँच गए, अभी टेकिंग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन एल इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता नहीं अभी, लॉग ऑफ समेशन आई फ्रॉम ज़ीरो टू एन आई बीटा आई एच एच रेज टू पावर आई। मैंने लॉग एम माइनस एन को डायरेक्टली भी कर सकते हो, यहाँ पर आपके बुक में वैसे सिंप्लीफाई नहीं किया, लेकिन आप लॉग एम ओवर एन का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप यहीं पर रिलेशन को लीव कर सकते हो। लॉग ऑफ ये सारी टर्म अभी एक साथ ही रहेगी, उसके बाद अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लेना, एन टी सी एम नॉट। तो ये जो हमारा माइनस ऑफ लॉगरिथम ऑफ एल है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अभी आप अपना डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करो। जब भी हमारे पास पी एच होता है, दैट इज़ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव, दैट मीन्स यहाँ पर नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ जब एल की कंसंट्रेशन होगी तो वो क्या बन जाएगी, पी एल। तो ये हमारा जो रिलेशन था वो इंट्रोड्यूस किया। ये जो दोनों वैल्यूज हैं आप यहाँ पर लिख लेना, राइट। तो ये था हमारा एक्चुअल रिलेशन। अभी हमने इसकी टॉपिक की क्या करनी है, डिस्कशन। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये पोर्शन कट है, सिर्फ आपको रिलेशन इंट्रोड्यूस करना है, उसके बाद आपको डिस्कशन में इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे अगर आपको लीस्ट स्क्वेयर मेथड पूछा जाए, या आपको पूछा जाए यहाँ पर हाफ इंटीग्रल मेथड सॉल्व करना है, या आपको पूछा जाए मिड पॉइंट मेथड यूज़ करना है, या थर्मोडायनामिक कांस्टेंट यूज़ करने हैं, या डे एंड मुखर्जी मेथड प्रूव करना है, तो आपने डायरेक्टली बस रिलेशन को इंट्रोड्यूस करना है MLL, और इसकी प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पर, सबसे पहले हमारे पास जो लीस्ट स्क्वेयर मेथड है, ये सारे मेथड्स ईजी हैं, जो इम्पॉर्टेंट मेथड है वो डे एंड मुखर्जी मेथड, एसमस मेथड और जॉब्स मेथड है।
एन बार जब भी लीस्ट स्क्वेयर मेथड है उसके लिए आपने ये रिलेशन हमने जो डिराइव किया था एन बार फॉर्मेशन फंक्शन का, जिसमें हमने ये रिलेशन डेवलप किया था कि लिगेंड का कंसंट्रेशन, क्योंकि ये भी फॉर्मेशन फंक्शन को ही इंट्रोड्यूस करता है, ये भी हमने लास्ट में जो अपना रिलेशन फाइनल इंट्रोड्यूस किया है, फाइंड आउट किया है, वो इसकी हेल्प से किया है, लेकिन आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हो। तो उन्होंने ये वाला रिलेशन एज सच यूज़ किया हुआ है, बस यहाँ पर हमने आई की वैल्यू पुट की है। लीस्ट स्क्वेयर मेथड में हमने आई की वैल्यू पहले 1 पुट करनी है और आई की वैल्यू पहले बाद में 2 पुट करनी है। पहले जब आप आई की वैल्यू 1 पुट करोगे तो यहाँ पर रिलेशन कैसा रह जाएगा, सारा कुछ 1, 0 to 1 तक जाना है, मतलब यहाँ पर 0, जब 0 होगा तो ये सारी टर्म 0, अगर आप 1 पुट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, K1 into L, बीटा 1 का मतलब K1 होता है, तो 1 plus K1L। तो आपने यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, अपना पहला स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, क्योंकि अगर हमें फॉर्मेशन फंक्शन गिवन हुआ तो हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे हमें न्यूमेरिकल्स अगर पूछे जाएं तो वहाँ पर अगर हमने स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट K1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो आप यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। तो हमने लॉग लिया, उसके बाद ये रिलेशन लिख दिया। सिमिलर वे में आप आई की वैल्यू 2 पुट करोगे तो उस तरह से हम कहाँ तक जाएंगे रिलेशन में, दोबारा से 0 to 2, जब 0 किया 0 plus 1 plus 2, तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी ऊपर भी न्यूमिरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो अगेन हमने K2 की फॉर्म में सारा रिलेशन रिप्लेस कर लिया और यहाँ पर आपने फिर से लॉग ले लेना है। और लॉग की वैल्यू हम इसने कैसे बोली है कि जब तक आप एन फॉर्मेशन फंक्शन की वैल्यू 0.5 से बड़ी रहेगी ये वैल्यू निग्लिजिबल होती रहेगी। तो ये सिर्फ पर्पज़ है कि सिंप्लीफाई करने के लिए। नेक्स्ट हाफ इंटीग्रल मेथड के लिए आपको वैल्यूज़ ही पहले से दे रखी हैं कि आपने फॉर्मेशन फंक्शन 0.5 और एन K2 के लिए आपको फॉर्मेशन फंक्शन क्या चाहिए 1.5। तो डायरेक्टली आप log K1 और log K2 के रिलेशंस में पुट करके आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास जो मिड पॉइंट मेथड है। मिड पॉइंट मेथड में आपने जो log K1 और K2 की वैल्यू ऐड की हैं उसके लिए फॉर्मेशन फंक्शन 1 मतलब n बार की वैल्यू 1 पुट करनी है। तो हमारे पास आप रिलेशन देखोगे कि दोनों का सम किसके इक्वल आ जाएगा, सम जो आ जाएगा 2PL के इक्वल आ जाएगा। करेक्शन मेथड का मतलब क्या है, आपने जो वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं PL log K1 के और K2 की एट द फॉर्मेशन फंक्शन 2, यहाँ पर फॉर्मेशन फंक्शन की वैल्यू आप 2 पुट करोगे तो हमारे पास PL n-1 - n और ये वाला जो फैक्टर है उसके साथ कोई करेक्शन फैक्टर आएगा जिसे आप z बोलोगे और फर्दर जो हमारा z है वो इस टर्म के इक्वल होगा। तो ये मेथड्स आपसे पूछे नहीं जाएंगे क्योंकि इनका कोई डेरिवेशन नहीं है, दैट्स वाई। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, डे एन मुखर्जी मेथड है। यहाँ पर नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक कांस्टेंट में हमने यहाँ पर भी K इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तो यहाँ पर भी ये रिलेशन रिड्यूस होकर निकला है कि ∆G इसके इक्वल होगा K- के। यहाँ पर हमारे पास अगेन स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया हुआ है और ∆H वैल्यू ये और हमारी ∆S वैल्यू ∆H-∆G, क्योंकि हमारे पास जो ∆G इज इक्वल्स टू ∆H-T∆S होती है, तो उस हिसाब से ये इंट्रोड्यूस किया हुआ है। जो हमारे पास इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं ये वो ये है, डे एंड मुखर्जी मेथड। तो इसे कैसे डिराइव करोगे, उसने क्या बोला हुआ है कि आपने किसी पाथवे से रिएक्शन स्टार्ट किया। सपोज करो यहाँ पर हमने M1, जो पाथवे का फ़र्क है सिर्फ लिगेंड 1 और कंसंट्रेशन, हमारे पास रिएक्टेंट 1 पाथवे से बना और सेकेंड पाथवे से हमने कोई रिएक्शन बनाई है ML2। अगेन हमारे पास जो कंसंट्रेशन बनी है वो क्या है, ML2। तो इन दोनों का जो एब्जॉर्बेंस वैल्यू है, जो एब्जॉर्बेंस है इन दोनों का डी एन मुखर्जी मेथड के अकॉर्डिंग, जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट बने हैं उनका एब्जॉर्बेंस क्या है, इक्वल है। एब्जॉर्बेंस हमने इक्वल है तो इनका कंसंट्रेशन क्या होगा, इक्वल होगा, इसलिए हमने इनकी कॉमन कंसंट्रेशन क्या कंसिडर कर ली। तो हमने इसकी एब्जॉर्बेंस डी एन मुखर्जी मेथड के अकॉर्डिंग इनकी एब्जॉर्बेंस क्या है, दोनों पाथवेज में जो हमारी कंसंट्रेशन हमें मिली हैं उनका एब्जॉर्बेंस क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स वो इक्वल कंसंट्रेशन दे रही होंगी तभी उनका जो कलर है सेम है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने CS, तो इनका जो K वैल्यू होगा, जो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा, अगर हम यहाँ से रिएक्शन का देखें तो आप क्या लिखोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट M into L1
सबस्क्रिप्ट वन पाथवे को शो कर रहा है जस्ट. अगर यहाँ से के की वैल्यू लिखें तो वो क्या आएगी, कंसंट्रेशन ऑफ एम एल टू ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कौन से हैं, टू, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, टू. तो उन्होंने क्या बोला है कि इनका जो के वैल्यू है वो क्या है, इक्वल है, और इनका एब्जॉर्बेंस इक्वल है. तो आपने इनकी कंसंट्रेशन कैसे ले ली, के इज़ इक्वल्स टू, बाकी वेरिएबल को फिर से डिस्कस करती हूँ. यहाँ पर हमारे पास कंसंट्रेशन क्या रहेगी, एज सच जैसे इन रिलेशन में शो किया हुआ है, दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी, हमारे पास इक्विलिब्रियम वैल्यू क्या होगी, इक्वल हो गई. अभी नेक्स्ट क्या है, इन कंसंट्रेशंस को पुट करना है. तो ये कंसंट्रेशन कैसे आएंगी, अभी ध्यान से देखो. अभी हमारे पास किसी एट पॉइंट टी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो पे इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, सपोज करो जैसा ये कंपाउंड है मैंने वैसी कंसंट्रेशन ले ली सी एम वन. लिगेंड की कंसंट्रेशन के हमने क्या ले लिया, सी एक्स, सी एक्स वन. और इसकी कंसंट्रेशन अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुई. अभी किसी इक्विलिब्रियम पे जब इक्विलिब्रियम होगा तो इसकी सपोज करो इसका जो कंसंट्रेशन है वो सी एस फॉर्म हो गया. आप यहाँ पर कोई भी कंसंट्रेशन ले सकते हो, लेकिन मैंने इस रिलेशन के साथ मैच करना है, इस वजह से मैंने यही सिंबल यूज़ किए हैं. लेकिन और कोई प्रॉब्लम नहीं है. सी एम वन, यहाँ पर सी एस कब बना होगा, जब यहाँ से लेस हुआ होगा, माइनस सी एस सी एक्स वन माइनस सी एस, राइट. अभी यहाँ पर भी अगर हमने सिमिलर इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे, सी एम टू माइनस सी एस, क्योंकि इनकी अब्जॉर्बेंस वैल्यू इक्वल है, दैट मीन्स इनका कंसंट्रेशन इक्वल होगा. सी एम सी एक्स टू माइनस सी एस, और इसकी कंसंट्रेशन अगेन क्या है, सी एस. तो जस्ट हमने क्या किया है, इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करना है दोनों की आगे. अभी हमें कंसंट्रेशन सी एस के बिहाफ पे ये कंसंट्रेशन में इसको रिड्यूस कर लिया, क्योंकि ये वाली कंसंट्रेशन हमें पता नहीं होगी क्या होगी. यहाँ से हम जितना चले हैं सी एम वन हम लेके चले होंगे, सी एक्स वन भी हमें स्टैंडर्ड पता होगी, सिमिलर वे में सी एम टू भी हमें पता होगी, सी एक्स टू भी हमें पता होगी. जैसे आप कहते हो कि मैंने एक ग्राम सोडियम क्लोराइड लिया, एक ग्राम मैंने किसी और वाटर के साथ उसे रिएक्ट किया, सपोज करो ऐसे, तो आपको ये दोनों रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन पता होंगी, इसलिए हमने सी एस की वैल्यू क्या की है इसमें फाइंड आउट की. तो ये आप रिलेशन को फाइंड आउट करके देखना, ये सिमिलर आ जाएगी. नेक्स्ट है हमारे पास एसमेस मोलर रेशियो मेथड. मोलर रेशियो मेथड में जस्ट यहाँ पर अभी तक हमने स्टॉक्यूमेट्री इंट्रोड्यूस नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर अभी स्टॉक्यूमेट्री इंट्रोड्यूस हो गया कि एम मोल्स इसके एन मोल्स इसके टू गिव द एम एम एल एन जो कॉम्प्लेक्स है हमारे पास बन गया. तो उस हिसाब से हमारे पास जो सी कंसनट्रेशन है अब उसके साथ एम मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ सी एट टाइम टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, जब ये प्रोडक्ट बना ही नहीं है. जब आप किसी इक्विलिब्रियम पे स्टडी करोगे तब आपके साथ पास रिस्पेक्टिव कंसंट्रेशन कैसी होंगी, सी वन माइनस अल्फा, तो सी अल्फा इसकी बच जाएंगी. तो उस हिसाब से फिर से आप के में पुट कर दोगे. नेक्स्ट है हमारे पास एसमस मेथड. एस क्या हुआ है, मेटल और लिगेंड का बॉन्ड. यहाँ पर पहले एन एच एल लिगेंड के साथ बॉन्ड है, तो जब हमने एम एल एन कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया तो हमारे एन एच ओमिट हो गया, चार्ज हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया हुआ. तो अगेन आप इक्विलिब्रियम वैल्यू कैसे लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, तो हमने यही लिखा. तो अभी यहाँ पर क्या है, हमारे पास एम एल एन एब्जॉर्बेंस किसके इक्वल होती है, हमारे पास कंसंट्रेशन आप किस भी कंपाउंड की लेना चाहते हो उसकी कंसंट्रेशन इनटू एप्सिलॉन वैल्यू. एप्सिलॉन हमारे पास मोलर एब्जॉर्बिविटी होती है. तो अभी हमने एम एल एन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, वो क्या आएगी, ए बाय एप्सिलॉन. तो यहाँ से अभी हम मेटल का कंसंट्रेशन कैसे लिखेंगे, तो सी माइनस, जैसे अभी हमने किया था कि जैसे सी माइनस एक्स किया था, तो किसी इक्विलिब्रियम पे इसमें से x कम हुआ था, तो उसी वे में इतना कम हुआ होगा. यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, इसकी कंसंट्रेशन अगर सपोज करो हमें एम एल एन पता चल गई इसकी a बाई एप्सिलॉन है, तो यहाँ से टोटल कंसंट्रेशन में से इतना पोर्शन माइनस कर दें तो ये इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी रिमेनिंग. तो ये मैंने बस सिर्फ इन वैल्यूज़ को पुट किया है और बाद में लॉग लिया हुआ है. लॉग लोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर हमारे पास लॉग m ओवर n का रिलेशन क्या होता है, log m माइनस log n. तो बस ये फॉर्मूला से हमने इसको माइनस इसमें लिखा हुआ है.
तो नेक्स्ट आप क्या करोगे, हमने इसको कैसे कंपेयर करना शुरू किया है, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। यहाँ पर हमारा लॉग वैल्यू ये क्या है, हमारा वाई हो गया, और ये हमारे पास इंटरसेप्ट है क्योंकि यहाँ पर इसकी केस इक्विलिब्रियम भी हमें पता होगा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन भी, तो ये हमारे पास सी हो गया। तो हमने विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ किसके ड्रॉ किया है, लॉग एन माइनस इसके विद रिस्पेक्ट टू, और लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच एल। तो अगर हमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिल गया, दैट मीन्स वो किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे ही हमारे पास ग्राफ क्या आ गया, स्ट्रेट लाइन आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू क्या होगी हमारी C, जिसको आप इंटरसेप्ट बोल रहे हो, ये लाइन जो कितनी स्ट्रेट होगी ये रिप्रेजेंट करेगी इसकी स्लोप से, जिसको आप एच एल के विद रिस्पेक्ट टू, तुम्हारी स्लोप क्या हो गई N, हमारी स्लोप क्या हो गई N। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लॉग M इंटू एक्स, तो हम ये वेरिएबल्स क्या करेंगे फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक, थैंक यू सो मच।